गाइस कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो में आपको इस फ़ोन की टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में आपको टॉप 10 प्लस हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। सो गाइस विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको जाना होगा सेटिंग्स पर, और सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपको स्पेशल फीचर्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रहता है स्मार्ट साइड बार, इसे ऑन करना है। इसे ऑन करने के बाद यहाँ आपको यहाँ से इसे ऑन कर देना है। जैसे आप इसे ऑन कर देंगे यहाँ से, तो आपका यहाँ पर स्मार्ट साइड बार ऑन हो जाता है। इससे क्या होता है, यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फाइल स्क्रीन ट्रांसलेट कर सकते हैं, कंप्यूटर, फेसबुक या फिर कोई अदर एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो एडिट पर जाएंगे, और यहाँ पर क्रोम को भी ऐड कर सकते हैं। क्विकली आप यहाँ पर क्रोम को ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, होम स्क्रीन में यहाँ से क्विकली आप यहाँ से यूज कर सकते हैं ये एप्लीकेशन। बाकी स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं इस फोन में डबल स्क्रीन चलाना चलाना तो स्प्लिट स्क्रीन पे जाएंगे और इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। तो अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं या फिर कोई अदर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आई फेसबुक से या फिर मैसेज से, तो वो यहाँ पर ऊपर से नीचे को स्वाइप कर दिया यूट्यूब चलाते चलाते, और यहाँ पर आप अपने मैसेज का यहाँ पर रिप्लाई दे सकते हैं क्विकली, या फिर कोई फोटोज आपको यहाँ पर देखने हैं। तो इस तरीके से डबल स्क्रीन आप एक साथ दो स्क्रीन यहाँ पर चला सकते हैं। ओके नेक्स्ट यहाँ से इसे बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से सेटिंग्स पर जाना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग्स पर जाना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जाना होगा एक्सेसिबिलिटी पर, और इस एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पर जाना है, और बाय द वे आपके फ़ोन में ये ऑफ होगा तो इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद अलाउ करना है, ओके कर देना है। अब आपके सामने ये एक्सेसिबिलिटी फीचर ऑन हो जाता है, तो इससे आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। डायरेक्टली गूगल असिस्टेंट यहाँ से ओपन कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर, स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपका पावर ऑफ हो जाता है। बाकी वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं, वॉल्यूम को अप कर सकते हैं इस तरीके से। रिसेंट ऐप यहाँ से ओपन कर सकते हैं क्विकली, और ब्राइटनेस को डाउन कर सकते हैं, ब्राइटनेस को अप कर सकते हैं, फोन लॉक स्क्रीन शॉट, तो ये सारा काम यहाँ पर इस सेटिंग से आप कर पाएंगे। ओके नेक्स्ट यहाँ से बैक चले जाना है। बैक चलने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ से बैक चले जाना है। ओके दोबारा से आपको वहीं सेटिंग्स पे जाना होगा और एडिशनल सेटिंग्स पे जाना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है नीचे गेस्चर एंड मोशन, तो इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये तीनों ऑप्शन ऑन कर देने हैं। ओके चारों ऑप्शन। ओके तो इससे रेज टू बैक से क्या होता है, अगर आपके फ़ोन टेबल पर रखा है और आपने फ़ोन को उठाया तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। और इस ऑप्शन से क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी कॉल आई, आपने कान के पास फ़ोन किया, फ़ोन रिसीव हो जाता है ऑटोमेटिकली। इस ऑप्शन से यहाँ पर आपका कोई भी कॉल आई आपके पास, बात कर रहे हैं, कान के पास फ़ोन लगाया तो हैंड फ्री से रिसीवर पे, और जैसे ही कान से हटाया फ़ोन हैंड फ्री हो जाता है। और इस ऑप्शन से यहाँ पर आपके पास कोई भी कॉल आ रही है, आपने फ़ोन को उल्टा कर दिया, फ्लिप कर दिया, तो आपकी इनकमिंग कॉल म्यूट हो जाती है। ओके एंड यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कुछ, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर टच होल्ड, थ्री फिंगर को टच करके रखेंगे तो यहाँ पर आपका ये स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से इस तरीके से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसे ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर आप थ्री फिंगर को कितने भी प्रेस करके रखें स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। यहाँ से इसे ऑन करना है, इसे आप ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करेंगे तब आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, बट अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपका नहीं आता है। ओके तो ये दोनों ऑप्शन ऑन करके रखना है। स्क्रीन ऑफ गेस्चर, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपका आ जाता है ये कुछ ऑप्शन, इसे ऑन करना है। ओके तो ड्रॉ ओ करेंगे तो यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाता है, ड्रॉ बी करेंगे तो यहाँ पर आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, और डबल टैप टर्न ऑफ स्क्रीन, तो इसे डबल टैप करने से आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। ओके तो यहाँ से इसे बैक करते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप एम ड्रॉ करेंगे तो लॉन्च असिस्टेंट हो रखा है, तो यहाँ से इसे डाउन चेंज भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करना है और ओपन ऐप कर लेते हैं, और एम एम ड्रॉ करने से हम मैसेंजर, ओके मैसेज ओपन करते हैं, तो यहाँ पर लॉक कर लेते हैं फ़ोन को। सबसे पहले एम को ड्रॉ करते हैं, तो जैसे हमने एम ड्रॉ किया तो यहाँ पर मैसेंजर एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है भाई। ओके तो दोबारा से फ़ोन को लॉक करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले बी, तो बी हमने ड्रॉ की यहाँ पर, तो ये फ्लैश लाइट ऑन हो रही है, बी फ्लैश लाइट ऑफ भी हो रही है, और यहाँ पर एम ड्रॉ करने से यहाँ पर मैसेंजर एप्लीकेशन ऑन नहीं हो रहा है बट, और ओ ड्रॉ करने से यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा। ओके तो कैमरा ओपन हो गया, तो दोबारा से सेटिंग्स पे जाते हैं। एम ड्रॉ करने से क्यों नहीं हो रहा है, तो
सेटिंग्स पे जाते हैं यहाँ पर, और गेस्ट मोशन पे जाते हैं, स्क्रीन ऑफ। तो एम ड्रॉ करने से यहाँ पर ये ऑन नहीं हुआ है, ओके मैसेंजर कर दिया, बट यहाँ पर अब ऑन हुआ है। तो अब यहाँ पर हम एम को ड्रॉ करते हैं, तो एम ड्रॉ किया हमने, यहाँ पर डायरेक्टली मैसेंजर एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी ओपन कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं, तो उन सारे को यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ड्रॉ डब्ल्यू से रिकॉर्डर, और स्लाइड स्लाइड राइट राइट साइड से कैलेंडर, इस तरीके से स्लाइड डाउन कंपास, इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेटर, ये सारी आप पर इस तरीके से ऑन कर लेनी है। तो आप हो बंद स्क्रीन पे भी आपके ये सारे एप्लीकेशन यहाँ पर ऑन हो जाते हैं, ओके। तो यहाँ से बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है, शेड्यूल पावर ऑन ऑफ पर इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से दोनों ऑप्शन को ऑन करना है। यहाँ से टाइम सेट कर लेना है, ये सुबह टाइम है आपका फ़ोन ऑन होने का। आपका फ़ोन शाम के समय ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा, सुबह के समय ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 6 बजे का टाइम लगा रखा है, एवरी डे ओके कर देना है। शाम के समय 10 बजे आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से इसे बैक कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट, अगर आपको फ़ोन में इस फ़ोन में अगर आपको फ़ोटोज़ को वीडियोज़ को हाइड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर फाइल्स वाले एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पर फाइल्स ओपन करनी है, और यहाँ पर नीचे आना है, सेम फोल्डर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक पैटर्न या पासवर्ड, सॉरी एक पासवर्ड ही आप सेट कर लेंगे, मैंने पासवर्ड सेट किया है। तो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके हाइड फोटोज आ जाते हैं। अब आपको और फोटोज हाइड करनी है, तो यहाँ पर इमेजेस पे आएंगे, और यहाँ पर जो भी फोटो आपको हाइड करनी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है इस तरीके से, ओके। सिलेक्ट की, 3 डॉट पर जाना है, और मूव टू सेव फोल्डर पर क्लिक कर देना है, अपना पासवर्ड डालेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ये यहाँ से फ़ोटो हट चुके हैं और सेव फोल्डर में पहुँच चुके हैं। तो जैसे कि मैं सेव फोल्डर में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये सेव फोल्डर में मेरे फ़ोटोज़ आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ओके। अगर आपको इनको हाइड करना है तो यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, और 3 डॉट पर जाएंगे, मूव आउट ऑफ सेव फोल्डर, तो यहाँ से मूव आउट हो जाते हैं ये सेव फोल्डर से, ओके। अब यहाँ से अगर आपको इस सेव फोल्डर को छुपाना है, तो 3 डॉट पर जाएंगे, और यहाँ पर हाइड सेव फोल्डर कर देंगे, तो यहाँ से ये सेव फोल्डर यहाँ पर छुप जाता है, आपको यहाँ पर पता भी नहीं चलता है कि सेव फोल्डर भी यहाँ पर था, ओके। नेक्स्ट, यहाँ से अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना होगा, नीचे स्क्रॉल करना है, इस प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्राइवेसी पे जाना है, ऐप लॉक पर जाना है, और यहाँ पर आपको एक पैटर्न सेट कर लेना है, पासवर्ड सेट करना है। तो किसी भी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे लॉक कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, तो हम क्रोम को कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से इसे ऑन करना है, और ऑन करने के बाद यहाँ पर एक सेटिंग्स ऑन करनी है। यहाँ पर आप एक पासवर्ड सेट करेंगे, तो हम 4 डिजिट का पासवर्ड कर लेते हैं, या फिर पैटर्न कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर पैटर्न भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक पैटर्न ड्रॉ कर लेता हूँ, दोबारा से वही पैटर्न ड्रॉ करना है आपको। फिर यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना है। इससे क्या होता है कि अगर आपके पासवर्ड बाई दफ़े भूल जाते हैं आप, तो यहाँ पर ये पासवर्ड आपका रिकवर करता है। बाकी सेट रिकवरी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं आप, जिससे आपका पासवर्ड रिकवर होने में कोई दिक्कत ना आए। तो इस पासवर्ड को, इस क्वेश्चन को आप चेंज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी करना चाहें, या फिर कस्टम भी कर सकते हैं, अपना कोई कस्टम कर देंगे, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट टीचर नेम, ओके। तो यहाँ पर फादर्स नेम पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर हम अपने फादर्स नेम यहाँ पर डाल देते हैं, SHAHMAT, ओके, KHAN, ओके। नेक्स्ट, यहाँ से इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप इसे कर लेते हैं फेस अमेजोन को, और क्रोम को, और फेसबुक को, ओके। तीन एप्लीकेशन मैंने लॉक कर लिए हैं। लॉक करने के बाद यहाँ पर क्रोम ओपन करते हैं, तो यहाँ पर ये पासवर्ड मांगता है, तो यहाँ से इसे फिंगर से भी टच कर सकते हैं, क्योंकि फिंगर हमने ऑलरेडी लगा रखा है। बाकी अगर जैसे कि अगर आप फिंगर नहीं लगाए होते, तो यहाँ पर ये फिंगर नहीं मांगता। और यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन अमेजोन है, तो अमेजोन ओपन करते हैं, तो यहाँ पर पासवर्ड करेंगे, तो यहाँ पर ये पैटर्न ड्रॉ करेंगे आप, तो यहाँ पर ये आपका ओपन हो जाता है, ओके। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, सेटिंग्स पे जाना है, किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करना है तो कैसे करेंगे, प्राइवेसी पे जाएंगे, और प्राइवेसी पे जाएंगे, इसके बाद हाइड ऐप पर जाएंगे, ओके। आपको यहाँ से अपना पैटर्न ड्रॉ करना है, और अमेजोन को हाइड करते हैं, और सेटिंग्स पे जाएंगे,
#8888#। ओके, एक आपको एक्सेस कोड बना लेना है, इससे आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर पाएंगे। डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर हम क्रोम, सॉरी फोन क्रोम नहीं, क्रोम और फेसबुक दो एप्लीकेशन, सॉरी फेसबुक नहीं, अमेजोन और क्रोम दो एप्लीकेशन हाइड कर लिए हमने। बैक जाते हैं। अब इन्हें कैसे देखना है, आपको कैसे चला पाएंगे, तो डायलर पे जाएंगे और यहाँ पर डायलर पे क्लिक करना हैश, ये पासवर्ड आपको डालना है और यहाँ पर आपके ये एप्लीकेशन ऑन हो जाते हैं। अब आप इजीली यहाँ से इसे यूज कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन को। ओके, तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन हाइड कर पाएंगे। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।